Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 16 basic construction. In this video I will explain that how can we draw a line, bisect a line, how we draw angle, bisect the given angle and perpendicular bisector of a line. So let's start chapter. Question number 1. Draw angle ABC of 125 degree. With the help of the protractor, construct angle PQR which is equal to angle ABC. Measure it and check. First of all, draw an angle of 125 degree with the help of the protractor. Let's see the diagram construction of this question. Here, question number 1, first we draw a rough figure. Construct an angle of 125 degree. हमको क्या करना है? एक angle बनाना है 125 degree का. Angle A, B and C which is equal to 125 degree with the help of the protractor. आइए इसको पहले एक फिगर ड्रा करते हैं, एक एंगल ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर. वैसे ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो इस तरीके के ना बन के ऐसे बनेगा. ये 125 डिग्री होगा, मोर देन 190 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री. सो इसको पहले ड्रा करते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं. सपोज वी हैव ए लाइन. ओके, नाउ इस पर हमको 125 डिग्री का एंगल बनाना है. इस देखिए कैसे बनेगा एंगल. ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इस लाइन और इस लाइन का, इसको इस पॉइंट के ऊपर रखना है और ये वाली जो लाइन है इसको इसके ऊपर लिखना रखना है. ये देखिए अभी भी ये सेट नहीं है. इसको सेट करने के लिए आपको जैसा प्रोटेक्टर को अरेंज करना होगा. एग्जैक्ट होगा. अब इसमें देखिए 125 डिग्री कहाँ पर है. ये 80, 90, 100, 110, 120, 130, 120 एंड 130 के मिड पॉइंट जो होगा ये 125 को रिप्रेजेंट करेगा. ये 120 एंड 30 के मिडिल पॉइंट, ये पॉइंट आपका 125 है. क्लियर? इसको ज्वाइन कर दीजिए इससे. ये आपने ड्रॉ कर दिया. ये एंगल कितना बना? 125 डिग्री. ये एंगल आपका हो गया 125 डिग्री. एक काम हो गया. अब आपसे कह रहा है कि इस एंगल का यूज करके आपको एक एंगल और बनाना है, एंगल पी क्यू आर विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 125 डिग्री. आइए उसके लिए एक लाइन और ड्रा कर लें साइड में, यहीं पे बना लेते हैं. ये एक लाइन ड्रा किया आपने ऐसे. क्लियर? अब इसमें प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है. अब आ जाते हैं कंपास. पहले कंपास को यहाँ पे रखिए. इसमें कोई भी लेंथ आप मेज़र कर लीजिएगा, इतनी हो जिससे आपको इसको हैंडल करना इजी हो. ठीक है, इजीली मूव कर सके. एक आर्क यहाँ पे बनाया. क्लियर? उसी लेंथ को लेकर एक आर्क इस पॉइंट पर बना दीजिए. अब इसको चेंज नहीं करना. जो डिस्टेंस आपने मेज़र किया था इस आर्क को बनाने के लिए, उसी डिस्टेंस को यहाँ पे, ये इतना हो गया. अब देखिए, अब कंपास का पॉइंट यहाँ पर और पेंसिल को यहाँ पर रख लेते हैं. ये इसको मेज़र कर लेते हैं, एंगल कितना है. ये हो गया एग्जैक्ट, इस पे आ गया ना. क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे कंपास का पॉइंट. देखिए ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये कंपास का पॉइंट हो गया और पेंसिल से इसको कट कर दिया. क्लियर? अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इससे ज्वाइन कर दिया जाए. ये आपका एंगल कितना तैयार हो जाएगा? 125 डिग्री. ये एग्जैक्टली एंगल बन जाएगा आपका 125 डिग्री. आप इसको मेज़र कर लीजिए, ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होगा. एंगल की लाइन की साइज़ की बात नहीं होती, वो साइड छोटी बड़ी हो सकती है, बट यहाँ पर जो गैप है इनके बीच में, इंक्लाइनेशन है दोनों लाइन के बीच में, वो सेम होगा. ये भी 125 डिग्री, ये भी 125 डिग्री. अब अगर आप इसको मेज़र करना चाहिए तो आइए मेज़र कर लेते हैं. देखें ये 125 डिग्री मिलता है कि नहीं. ओके, ये इस पर सेट हो गया. ये लाइन इसके ऊपर ही है. अब देखिए ये 120 एंड 130 के मिडिल लाइन ये है ना, इससे एग्जैक्टली मैच कर रहा है. तो ये एंगल कितना हो गया आपका? 125 ये हो गया. और ये तो हमने प्रोटेक्टर से बनाया था, ये कंपास से उससे कंपेयर करके बनाया है. तो दोनों एंगल आपके सेम हो गए. इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. इन सेकेंड क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, ड्रॉ इट्स एंगुलर बाइसेक्टर. मीन्स आपको एक एंगल बनाना है 75 डिग्री का, उसके बाद इसको एंगल बाइसेक्ट करना है, मीन्स उसको इक्वली डिवाइड करना है इंटू टू पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एंगल ऑफ 75 डिग्री. सबसे पहला काम, सेकेंड क्वेश्चन में कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं.
उस लाइन पे आपको 75 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। वो लाइन चाहे जितनी बड़ी हो वो आपकी अपनी चॉइस है। इस पे 75 डिग्री का एंगल बना लेते हैं प्रोटेक्टर से। ओके 75 का ये 70 एंड 80 के मिड पॉइंट जो होगा वो 75 होगा ना, ये मिड पॉइंट है आपको, ये 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका एंगल बन गया 75 डिग्री। अब इसको हमको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे, कोई भी डिस्टेंस मेजर कर लीजिए कंपास में जिसको आप हैंडल कर सके, और उससे एक आर्क लगा देते हैं, ये वर्टेक्स से एक आर्क लगा दिया आपने, क्लियर। अब इस आर्क को बाइसेक्ट कर लीजिए, मोर देन हाफ डिस्टेंस लीजिएगा, आधे से ज़्यादा। देखिए ये मोर देन हाफ है ना, एक आर्क यहाँ पे लगाया, ठीक है, उसी लेंथ का एक आर्क। अब जो डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया उसको बार बार चेंज नहीं करिएगा, एक बार हो गया बस उसी लेंथ को हमको लेना है। दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप ज्वाइन कर दो एग्जैक्टली, आपको हाफ 75 डिग्री का हाफ एंगल मालूम हो जाएगा, क्लियर। ये जो एंगल है आपका ये हाफ ऑफ 75 डिग्री, हाफ ऑफ 75 कितना होता है, 75/2, 2 3 6 2 7 14 37.5। अब इसको मेजर करें 37.5 है कि नहीं, एग्जैक्ट 37.5, ये आपका 35 है। देखिए ये 30 ये 40, इसके बीच का जो पॉइंट है 35, 36, 37, 37 से थोड़ा सा आगे है। आप इसको ध्यान से देखिए, जूम कर लेता हूँ, ये क्लियर है ना, मोर देन 37, तो वो 37.5 मीन्स ये किसका हाफ हो गया, 75 का हाफ। ये 70 एंड 5 के बीच का मिड पॉइंट है, ये 75 का हाफ क्या मिला, 37.5, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट यूजिंग कंपास, वेरीफाई यूजिंग अ प्रोटेक्टर दैट ईच पार्ट इज इक्वल टू 30 डिग्री। 120 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 30 30 30 30 आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम 120 डिग्री हमको ड्रा करना है, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर वी कैन डिवाइड 120 इनटू 4 इक्वल पार्ट एंड देन वी विल चेक दैट दीज आर ईच आर एंगल इक्वल टू 30 डिग्री आर नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ओके अब इसमें से 120 डिग्री का पहले एंगल बना लेते हैं। तो कोई भी एक लाइन आप ड्रा कर लो जो आपकी लेंथ हो, सपोज कर लो हमने ये एक लाइन ड्रा कर लिया। अच्छा 120 डिग्री अगर हमको प्रोटेक्टर से बनाना हो तो 120 डिग्री कहाँ पे मिल जाएगा, ये 100 110 120 120, तो ये लाइन आपकी 120 को रिप्रेजेंट करेगी, क्लियर। तो अगर हम इससे बनाना चाहें तो 120 हम इजी से बना सकते हैं, बट अगर हम कंपास से बनाना चाहें तो देखिएगा कैसे बनता है, कंपास से भी बनाना सीख लेते हैं। कोई भी डिस्टेंस इसमें से मेजर कर लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट एक बार जो डिस्टेंस ले लिया उसको चेंज नहीं करना है, क्लियर। अच्छा अब ये यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर देते हैं इस तरीके से, क्लियर, ये आर्क आपने बना दिया। अब जो फर्स्ट आर्क होगा उसी लेंथ को, लेंथ चेंज मत करिएगा, यहाँ पे कंपास का पॉइंट फर्स्ट आर्क कटा और यहाँ पे इसी पॉइंट से सेकेंड आर्क को कट कर दीजिए, क्लियर। ये आपका जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। इसको ज्वाइन कर देते हैं 120 डिग्री, देखिए उसी पॉइंट से जा रहा है। ओके अब हमको क्या करना है, आपसे कहा गया था इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये 120 डिग्री है। देखिए अगर यहाँ तक हम मेजर करते तो ये 60 डिग्री होता, यहाँ से यहाँ तक और 60 डिग्री है, तो 60 प्लस 60 मिलके 120 हो गए। इसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करना, तो एक पार्ट तो ये आपको हो ही गया 60 डिग्री, क्लियर। तो इससे एक बेनिफिट ये हो गया कि आपको 60 डिग्री ऑटोमेटिक यहाँ से मिल गया 60 डिग्री। अब हमको क्या करना है, इस दोनों 60 का, इस 60 का भी हाफ करना है, इस 60 का भी हाफ करना है। इस 60 का हाफ करने के लिए क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल है आपके पास मोर देन हाफ डिस्टेंस, अभी इससे पहले के क्वेश्चन में बताया ये मोर देन हाफ है, एक आर्क यहाँ लगा देते हैं संभाल के, क्लियर, और सेम लेंथ का एक आर्क इसको कट कर देते हैं। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया, 60 का हाफ करेंगे तो 30 डिग्री, एक एंगल यहाँ पे बन गया आपको 30 डिग्री का, क्लियर। इसी तरीके से
अब एक एंगल आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का मिल रहा है, तो इसको हाफ कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल रियल आर्क ये एंड सेम लेंथ का, इसको कट कर लेते हैं, क्लियर। तो ये भी आपको 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल आपका हो गया 30 30 30 30। आइए सबको मेजर करते हैं, सब 30 डिग्री है, मतलब ये कहाँ पे होना चाहिए था, 30 60 90 120, ऐसे डिवाइड होता ना, इक्वली डिवाइड होता। आइए इसको चेक करते हैं, क्लियर। देखिए ये वाली लाइन आपकी हो गई, ये 30 डिग्री पे आ रही है, ये 60 डिग्री पे जा रही है, ये लाइन आपकी 90 डिग्री पे आ रही है, ये आपकी 120 पे जा रही है। देखिए सबको ऐसा शिफ्ट कर दें, समझ सारी लाइन दिखने लगी। अब इसी को कवर कर दें, सब लाइन आपकी कवर हो जाएगी, ये क्लियर। तो 30 60 90 120 डिग्री, क्लियर। इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 ड्रा ए लाइन सेगमेंट 6.8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ड्रा इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूजिंग कंपास एंड रूलर। पहले एक लाइन ड्रा करें 6.8 सेंटीमीटर की और फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है विद द हेल्प ऑफ द कंपास एंड रूलर। नाउ इसको आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा लाइन ऑफ 6.8 सेंटीमीटर, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं जिसकी लेंथ 6.8 सेंटीमीटर होगी। 6.8 का सेंस हो गया 6 के आगे का 8 डिवीज़न, टोटल 10 डिवीज़न होते हैं। आपको किस पॉइंट तक जाना है, 6.5 6 7 8, ये पॉइंट आपका 6.8 को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। उसके बाद 6.9 एंड 7 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लाइन को पहले हम ड्रा कर देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस, क्लियर। अब इसको हटा लेते हैं। अब इसको हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होता है, फिर से आते हैं कंपास की तरफ। अब एंड पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, लाइन स्टार्ट यहाँ से हुई है यहाँ पे ख़त्म हो रही, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है। तो हम कंपास के पॉइंट को एक बार यहाँ पर रखेंगे, एक बार दूसरे एंड पे रखेंगे। जब कंपास को यहाँ पे रखा जा रहा है तो ये देखिए ये लेंथ आपकी मोर लेस देन हाफ है, अभी शायद हाफ के इक्वल हो, ये तो कन्फर्म है मोर देन हाफ है। तो कंपास को हमको उतना डिस्टेंस मेजर करनी है कि डिस्टेंस उसकी कितनी आ जाए, मोर देन हाफ। यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर है ना कि इसके इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो इस लेंथ की हाफ लेंथ से ज़्यादा है, मोर देन हाफ हो गया। अब आपको क्या करना है, कंपास का पॉइंट एक बार इस लाइन पर रखकर एक बार ऊपर आर्क लगा देना है और एक बार एक ये आर्क लगाया, क्लियर। एक बार यहाँ पे आर्क लगा दिया उसी लेंथ को, अब इधर आर्क एंड पर रखकर इस आर्क को आपको कट कर देना है, हो गए क्या, देख लीजिएगा फिर से। पहले इधर से रखा कोई भी डिस्टेंस लेकर, इधर हाफ आर्क लगा दिया, उसी तरीके से उसी लेंथ को, उसको चेंज नहीं करना है, उस आर को आपने कट कर दिया। अब आपको जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले ये और ये, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए स्केल से, आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। मीन्स ऐसी लाइन होगी जो कि इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री है और इक्वली डिवाइड हो रही है। टोटल लेंथ आपकी कितनी थी, 6.8। तो अगर हम 6.8 को टू सेक्टर में, टू पार्ट में डिवाइड कर दें तो कितना रिजल्ट मिलेगा, 3.4। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.4 होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.4 होना चाहिए। आइए इसको मेज़र करके देखते हैं कितनी लेंथ मिल रही है, और ये एंगल ये देखेंगे ये 90 डिग्री है या नहीं है। ये देखिए ये 0 पे हो गया, ये 6.8 पे हो गया, ये 3.5 है। 3.5 की एक यूनिट पहले इसको जूम कर देते हैं, शायद आपको ज़्यादा क्लियर दिख जाए ये, ठीक है। ये 3.4 आ गया एग्जैक्टली, तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया, इक्वली डिवाइड हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि ये एंगल राइट एंगल है या नहीं है, उसके लिए कंपास को रख के चेक करना होगा, ये प्रोटेक्टर को रख के चेक करना होगा। आइए प्रोटेक्टर को चेक करते हैं, एंगल 90 डिग्री बन रहा है या नहीं। ओके, अब इसको कैसे मेजर किया जाएगा, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इसको आपको इसके ऊपर रखना होगा और ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर रखनी होगी। आइए रखते हैं, अभी नहीं आया है ना, अभी और शिफ्ट होगा, ए इधर गया, अब इसको नीचे लेते आते हैं, क्लियर। सब कुछ कवर हो गया। अब देखिए ये एंगल जो ऊपर जो लाइन गई हुई है वो वाली लाइन एग्जैक्टली 90 को कवर कर रही है कि नहीं, ये एग्जैक्टली 90 को कवर कर ली ना, यानी कि एंगल आपका 90 डिग्री। लाइए इसको थोड़ा सा शिफ्ट करें, अभी आपको नीचे की लाइन दिखाई देगी, देखा इसके नीचे की, देखिए ये वाली लाइन आ गई ना, दिख रही है अब ये लाइन, यही लाइन आपकी एग्जैक्टली 90 को कवर किए हुए है, यानी कि आपका जो एंगल बन रहा था वो क्लियर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यही करना था आपको, इक्वली डिवाइड करना था, तो बाइसेक्ट किया तो 3.4 सेंटीमीटर लेंथ मिल गई। इससे पहले आप ये स्केल से चेक किया गया था और ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5।
Draw a line segment AB 8.2 cm. Mark a point M on AB such that AM is equal to 5.7 cm. Draw a ray perpendicular to AB at M. मीन्स आपको एक लाइन ड्रा करनी है 8.2 सेंटीमीटर की और उस लाइन पर एक पॉइंट लेना है 5.7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। आइए पहले इतना काम करते हैं, उसके बाद आगे का पॉइंट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी 8.2 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा ए लाइन ऑफ ए बी ऑफ 8.2 सेंटीमीटर, 8.2 ये आपकी पॉइंट जीरो हो गया और ये 8 हो गए, 8.2 एज ए हियर सेकेंड पॉइंट, क्लियर। नाउ ड्रा लाइन फ्रॉम 0 टू सेकेंड पॉइंट, ये आपका हो गया 8.2, क्लियर। इसको हटा लेते हैं। अब आपसे कहा है मार्क ए पॉइंट M ऑन ए बी सच दैट ए एम इज इक्वल टू 5.7। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर अ लेंथ 5.7, ये 5.5 हो गया, ये देखिए 5.0 है ना, ये जीरो हो गया, पेंसिल जहाँ पर है वो जीरो है, और ये 5.5, 5.6, 5.7, सो 5.7 इज हियर, सो मार्क अ लेंथ ऑफ 5.7 इन योर कंपास, क्लियर। ओके, अब इसको मेजर कर लिया, ये 5.7 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट आपका ए और बी सपोज कर लेते हैं, कहीं भी आप इधर ए सपोज कर लीजिए, इधर बी को हो जाएगा, वो कोई फर्क नहीं है। आपसे कहा मार्क ए पॉइंट एम ऑन ए बी सच डैट ए एम इज इक्वल टू 5.7, तो अभी 5.7 तो मेजर किए थे ना, यहाँ से ए रख के 5.7 कट कर लिया, ये पॉइंट क्या हो गया आपका ए एम, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पे इसको डॉट कर दें ताकि पेंसिल उसी में जाए, 5.7 सेंटीमीटर। ड्रा ए परपेंडिकुलर टू ए बी एट एम, अब यहाँ पर हमको एक परपेंडिकुलर, एक राइट एंगल बनाना है, कैसे बनेगा राइट एंगल देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डिस्टेंस आप ले लो, वो आपकी अपनी मर्जी है, जिसमें आपको इजी हो इसको हैंडल करना। हमने ये डिस्टेंस ले ली, अब इस पर हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे, ये आपका सेमी सर्कल हो गया, क्लियर। अब सेमी सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, कंप्लीट एंगल 180 डिग्री, तो अगर 180 का हाफ कर लें तो 90 डिग्री मिल जाएगा ना, जैसे इससे पहले हाफ किया वैसे ही, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके, एक बार यहां से ये मोर देन हाफ है ना, क्लियर है कि ये मोर देन हाफ है, ऊपर और ऐसे ही इस डायरेक्शन से ऊपर, आप नीचे भी लगा सकते हैं कोई हरेश नहीं है। तो ये लाइन जो होगी ये आपकी राइट एंगल को बनाएगी, ये हो गया राइट एंगल, क्लियर, यही आपसे कहा था इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चन नंबर 6 ड्रा ए लाइन सेगमेंट पी क्यू 6.5 सेंटीमीटर, मार्क ए पॉइंट ओ बिलो इट एट ए सफिशियंट डिस्टेंस, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू पी क्यू, मीन्स एक लाइन ड्रा करना है 6.5 सेंटीमीटर की, उसके नीचे एक पॉइंट लेंगे ओ जहां से पी क्यू पर हमको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। आइए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे होगी। इट इज क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ लाइन ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया ना, 6.5 सेंटीमीटर, एक स्ट्रेट लाइन बना ले 6.5, क्लियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन हो गई 6.5 सेंटीमीटर। अब इसको नेमिंग कर लिया जाए, ये पॉइंट आपका P हो गया, ये पॉइंट आपका ड्रा लाइन PQ ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 6.5 सेंटीमीटर, क्लियर। नाउ मार्क ए पॉइंट O बिलो इट एट ए सफिशियंट डिस्टेंस, किसी भी जगह पर आप एक पॉइंट सपोज कर लीजिए, नीचे आप ऊपर भी वो सॉरी इधर उधर कहीं कर सकते थे, बट एक पॉइंट पी ओ सपोज करना है, हमने यहाँ पे ओ सपोज कर लिया। अच्छा, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, वो कैसे होगा, अब देखिए आप ये डिपेंड करता है आपने पॉइंट ओ कहाँ पे लिया, पॉइंट इस लाइन के बाहर मत ले लीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के नीचे हो, यहाँ तक लाइन तक आ रहा है आपकी पेंसिल, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, इतनी बढ़ा लीजिए कि ये इस लाइन को दो बार कट करे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, अभी यहाँ पे हमारे पास गैप है, क्लियर, इसको एक आर्क बना देते हैं ऐसे, क्या किया, कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, बस लाइन से आगे चली जाए कट कर लीजिए, बट इतनी डिस्टेंस लीजिएगा कि ये इस लाइन को यहाँ पर भी कट करे, इधर कट करे, ऐसा ना हो कि लाइन के बाहर कट करने लगे, तो आप कम कर लीजिएगा पेंसिल को।
अच्छा, अब आपको जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, एक ये है और एक यहाँ पर है। इधर से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर एक आर्क बना लीजिए, इधर से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क बना लीजिए। तो ये जो आपका फिगर बनेगा, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी इस गिवन लाइन के। क्लियर? अब ये आपका 90 डिग्री बनने लगेगा। बस यही बोला था क्वेश्चन नंबर 6 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू 7 सेंटीमीटर, मार्क ए पॉइंट ओ अबव इट, थ्रो ओ, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। इसी तरीके का, बट अभी क्या था, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी थी, अब आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट ओ से होकर जा रही हो और पी क्यू के पैरेलल हो। आइए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 इट इज गिवन दैट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन पी क्यू ऑफ 7 सेंटीमीटर। सपोज ये पी क्यू ऑफ 7 सेंटीमीटर। क्लियर? इट इज लाइन पी क्यू ऑफ 7 सेंटीमीटर। ओके, मार्क ए पॉइंट ओ, सपोज कर लीजिए यहाँ पे पॉइंट ओ है। बी एबव इट, थ्रू ओ, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। यहाँ से एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है जो इसके पैरेलल है। तो इससे पॉइंट ओ से यहाँ पर एक आप कोई किसी भी एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये पॉइंट आपका ओ है। क्लियर? अब देखिए क्या करना है। अब यूज होगा कंपास का। कोई भी डिस्टेंस मेजर कर लीजिए और यहाँ पर एक एंगल बना दीजिए। क्लियर? उतनी ही डिस्टेंस का एक आर्क आपको यहाँ पर बनाना है। ओके, इसको मेजर कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये आपने मेजर कर लिया। वैसे ही यहाँ पे कट कर लीजिएगा, बस हो गया। इसको ज्वाइन कर दीजिए, आपकी पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई। ये थोड़ी सी आपको हो सकता है टफ लगे, बट इसको बार बार देखिएगा, वीडियो को स्लो करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये पैरेलल लाइन हो गई आपकी, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन, ये ड्रॉ करना था। आप इसको पी डैश क्यू डैश नेमिंग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, वो हो जाएगा। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक इट इज लास्ट क्वेश्चन, या इट इज लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ, फिगर दिखा दूं आपको, क्वेश्चन दिखा दूं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सी मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ए बी, मार्क ए सी 4 सेंटीमीटर, थ्रो सी, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी। अब आपसे क्या क्या कहा गया है, ए बी एक लाइन बनाइए जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर हो। ड्रॉ ए सी मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक ए सी लाइन ड्रॉ करिए जो ए बी के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही हो। मार्क ए सी 4 सेंटीमीटर, ए सी को 4 सेंटीमीटर कट करिए। थ्रो सी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। अब ए सी से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए बी के पैरेलल हो। आइए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहला काम, ए बी 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उस पर पॉइंट ए पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर, ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर। क्लियर? इट इज लाइन ए बी एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ए। आप प्रोटेक्टर से बनाना चाहिए, प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, हम कंपास से बना रहे हैं, आपको प्रोटेक्टर से इजी हो तो बना सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई इसमें कंडीशन है नहीं। अच्छा, कंपास से 60 डिग्री कैसे बनेगा, इस तरीके का, जो फर्स्ट आर्क होगा वो 60 को कट करेगा ना, ये 60 डिग्री हो गए। ये कंपास से बनाया, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, पॉइंट सी के लिए बोला है ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पहले इसमें 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ओके, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। नाउ कट हियर 4 सेंटीमीटर, ये पॉइंट आपका सी हो गया, इट इज पॉइंट सी। अब आपसे कह रहा है सी पर एक लाइन ड्रा करनी जो पैरेलल हो ए बी के, वो लाइन कैसे ड्रा होगी। यहाँ पे हमने एंगल कितने डिग्री का बनाया है, 60 डिग्री का ना, ये 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल बना लीजिए। बस ये अल्टरनेट एंगल के फॉर्म का बनेगा आपका, इस तरीके का। इसको मेज़र कर लें, ये 60 डिग्री एंगल है, इसको मेज़र कर लें, ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। ओके, बस ज्वाइन कर लीजिए इसको, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये लाइन आपकी पैरेलल हो जाएगी इसके। क्लियर? ये आपकी पॉइंट सी हो गई, ये पैरेलल लाइन है। सो एक्सरसाइज 16 इज कंप्लीटेड।
So everyone watch this video again and again. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. But everyone try to solve these, construct these questions in your copy, then ask me. Without doing any construction, you can't ask to me. So first of all, try to solve all questions in your copy, construct all the construction in your copy, and in case of any doubt, then you can ask me. Okay, thank you everyone, goodbye.